कभी मैगी के साथ आपने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है? मैंने किया है। चलिए आज मैगी बनाते हैं पोटैटो स्टाइल में। तो आज मैंने मैगी का ये नया एक्सपेरिमेंट किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ कर लेंगे, गैस को ऑन रखेंगे, यहाँ पर एक पैन, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, जितना आप खाना पसंद करते हैं, उसी के साथ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसको कर लेंगे अच्छे से सॉटे। और अभी इसी के साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज, क्योंकि मैं स्पाइसी थोड़ा खाती हूँ, और इसमें आपका मैगी मसाला। दो गिलास पानी डाल करके इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। आप यहाँ चाहें तो अपने अकॉर्डिंग मसाला ले सकते हैं, मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है, तो आज मेरा मन था कुछ अच्छा स्पाइसी खाने का। यहाँ मैंने ले लिया मैगी का एक पैकेट, उसके जो स्लाइसेस हैं इसको अच्छे से तोड़ करके इसमें डाल देंगे। तो यहाँ इसको डालने के बाद डाल लेंगे हम पोटैटो। यहाँ मैंने आलू के पतले पतले स्लाइसेस कर लिए थे, तो ये डालने के बाद में इसको हम अच्छे से तोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, आपस में मिल जाए। और इसी के साथ में बारी आती है हमारे रेगुलर मसाले की, तो लाल मिर्च, नमक, और इसी के साथ में जो मसाले आप प्रेफर करें, मैं अपना सीक्रेट मसाला बाद में ऐड करूँगी। अब यहाँ पर इसको अच्छे से मिलाने के बाद में अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर एक गिलास पानी और डाल करके मैं इसको अच्छे से होने दूँगी बॉयल। और ये नया एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो ना, तो क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है कुछ अच्छा करने की। तो यहाँ पर ये रहा मेरा सीक्रेट मसाला, जो है किचन किंग मसाला, जो मैं आज इसमें यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट टाइम मैगी में। और यहाँ इसको अच्छे से एक मिक्स देने के बाद में वेट करते हैं बॉयल आने का। और ये देखिए कितना शानदार कलर आ गया है, और भाई बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, बस वेट नहीं हो रहा था, मन कर रहा था कि अभी बस प्लेट में निकाल के मैं इसको खा लूँ। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ना पानी वाली मैगी पसंद है, किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। और देखिए भाई मेरी मैगी बनके रेडी है, तो मैं यहाँ ले रही हूँ पहला बाइट, मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बनाए। तो ये ना एक नया एक्सपेरिमेंट था आलू के साथ मैगी खाने का, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम था, और वाकई में भाई इसका टेस्ट जो था ना, वो मतलब दिल खुश हो गया खा करके। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।